हिंदू धर्म में बुधवार के दिन भगवान गणेश की आराधना की जाती है। इसके साथ ही किसी भी शुभ काम से पहले गणेश और लक्ष्मी जी का पूजन अवश्य किया जाता है। भगवान गणेश जहां व्यक्ति के जीवन में उसे बल बुद्धि का आशीर्वाद देते हैं और उसे संकट से बचाते हैं, तो वहीं माता लक्ष्मी की कृपा से व्यक्ति के जीवन में आर्थिक दिक्कतें दूर हो जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सदैव माता लक्ष्मी और गणेश जी की आराधना एक साथ क्यों की जाती है? इसके साथ ही दिवाली के दिन भी इन दोनों का पूजन एक साथ किया जाता है, जिसके पीछे कुछ वजह मौजूद हैं, जिनके बारे में हम आज आपको बताने वाले हैं। क्योंकि भगवान गणेश जी जिस व्यक्ति के जीवन में उसे बल बुद्धि और विवेक का आशीर्वाद देकर उसके जीवन की नैया को पार लगाते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा से व्यक्ति को जीवन में आर्थिक संकट नहीं देखना पड़ता है। ऐसे में इन दोनों का पूजन करने से व्यक्ति को जीवन में हर सुख की प्राप्ति होती है, जिसके बारे में हमें जानना आवश्यक है कि आखिर क्यों माता लक्ष्मी और गणपति का एक साथ पूजन किया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार जब माता लक्ष्मी को इस बात का घमंड हो गया था कि संपूर्ण विश्व उनकी पूजा करता है और उनके बिना कुछ भी संभव नहीं है, ऐसे में भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को बताया कि आपकी समस्त संसार पूजा करता है, लेकिन फिर भी आप अपूर्ण हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी स्त्री बिना संतान के अपूर्ण ही रहती है, जिसके बाद माता लक्ष्मी का सारा घमंड चूर चूर हो गया और उन्होंने माता पार्वती से यह विनती की वह अपने दोनों पुत्रों में से किसी एक को उन्हें गोद दे दें। उसके बाद माता पार्वती ने अपनी सखी माता लक्ष्मी को भगवान गणेश को गोद दे दिया। तब से गणेश जी को माता लक्ष्मी के पुत्र के तौर पर पूजा जाता है और उनका एक साथ पूजन भी किया जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।